वेलकम। सो आई होप अभी तक आपने ये अपडेट अब तक पहुंच चुका है कि आपका JKSSB जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट यानी कि टाइप टेस्ट एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। सो आज के इस वीडियो में देखो, ये अपडेट तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ 20 अक्टूबर के बाद। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगा रिलेटेड टू टाइपिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स जो फ्रेशर हैं, जो फॉर द फर्स्ट टाइम टाइप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, सो उनके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू टाइपिंग टेस्ट, वो इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा विद दिस अपडेट। सबसे पहले अपडेट देखो, 20 अक्टूबर के बाद आपका एडमिट कार्ड यानी कि आपका वेन्यू, आपका टाइम, ये सारी अपडेट आपको मिलेगी JKSSB। 20 अक्टूबर के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप इतना मान के चलो कि उससे पहले ही 15-16 तक आपको आपका स्केड्यूल, आपका टाइम आपको पता चल जाएगा। एंड जम्मू में जनरली J&K में, अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूँ तो जम्मू यूनिवर्सिटी में डॉइक सेंटर है, एंड वैसे ही कश्मीर सेंटर में रहेगा। कश्मीर में जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटर बनेगा। नाउ देखो, ये डेट का तो अनाउंसमेंट, एक अपडेट यहाँ JKSSB ने ये बताया कि टोटल लगभग, अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो लगभग 1,97,000 यानी कि 1,97,000 प्लस स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया फॉर अराउंड 1,500 प्लस जो पोस्टेज हैं आपके लिए। सो ये अपडेट सबसे पहले 20 के बाद आपका हो सकता है। अब वो टाइमिंग आपको सेपरेटली अलग से नोटिस आएगा। नाउ बात करते हैं हम टाइप टेस्ट के रिलेटेड। सबसे पहले ये आप ऑफिशियल अपडेट आप JKSSB की साइट पे जाके देख सकते हो। नाउ ये आ गया जी आपके सामने टाइपिंग मास्टर 10। देखो आपका, अब स्टूडेंट्स के सवाल थे कि क्या सर हमारा टाइप टेस्ट किस वे में होगा। देखो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो टाइपिंग मास्टर, इसी तरीके का आपका एग्ज़ाम में भी होगा, सेम यही टाइपिंग मास्टर रहेगा। अब पैराग्राफ कौन सा रहता है वो डिपेंड करता है। अब इसमें से ऐसा नहीं होगा कि इसमें से आपको कोई पैराग्राफ आएगा, वो एक सेपरेट पैराग्राफ होता है, तो वो डिफरेंट शेड्यूल के लिए अलग अलग जो भी बैचेस में स्टूडेंट होंगे उनका अलग अलग अकॉर्डिंग होगा। बट अगर मैं लेवल की बात करूँ, लेवल का हमें एक आइडिया रहता है कि किस लेवल का रहता है। अब मैं आपको कुछ देखो बेसिक चीज़ें, जो मिस्टेक्स काउंट कैसे करनी है क्या। अब एक सवाल ये भी थे कुछ स्टूडेंट्स के कि क्या सर हमें एक पेपर पे पैराग्राफ लिखा मिलेगा, या हमें जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे सेम टाइपिंग मास्टर रहेगा आपके सामने। अब मैं भी अपडेटेड वर्जन किया हो, 11 कर दिया हो, बट ओवरऑल यही रहता है। ओके अब इसमें देखो, सबसे पहले तो मिस्टेक्स का रहता है कि क्या सर हम मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपका सवाल रहता है। देखो मैं आपको यहाँ पे जनरल सा आपको एक बताऊँगा कि मिस्टेक्स को कैसे ठीक कर सकते हो आप, क्या बैक स्पेस देने के बाद उससे करेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूँ जो फॉर द फर्स्ट टाइम जाएंगे। एंड एक चीज़ और मैं ज़रूर एज ए टिप ही आपको बताऊँगा कि नर्वस नहीं होना है। ओके देखो अब लेट सपोज, अब मैं छोटा सा आपको ये बताता हूँ अब मिस्टेक्स कैसे आप करेक्ट कर सकते हो या नहीं। अब देखो सबसे पहले वी लिव इन द वर्ल्ड, अब देखो वी के बाद स्पेस है, मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ लिव, अब मैंने देखो एल वहाँ स्मॉल में था, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया। अभी आप देख रहे हो कि मैं इसे ठीक कर पा रहा हूँ, मैं बैक स्पेस यूज़ कर पा रहा हूँ, बट मैं वी पे नहीं जा सकता। अब इसका रीज़न देखो, क्योंकि मैंने वी लिखने के बाद मैंने स्पेस दे दिया है, एंड जब मैंने लीव लिखा था इसके बाद मैंने स्पेस नहीं दिया। अब कहने का मतलब क्या, अभी मैं इसको स्मॉल में लिख रहा हूँ जैसे करेक्ट है, ठीक है। देखो वी लीव, अब मैंने स्पेस दे दिया, अब मैं बैक नहीं जा सकता। आई होप आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कहने का मतलब क्या। अब देखो अब हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये वर्ड आपने गलत लिख दिया, अब वर्ल्ड मैंने गलत लिख दिया, अब मैं बैक रहा हूँ, बैक नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया। ये चीज़ है, आई होप आप समझ गए हो कि कैसे। अब आपने और एक चीज़ यहाँ आप ज़रूर ध्यान रखें, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, अब मुझे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखना है, फील्ड लिखना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये अंडरलाइन भी है एंड ये हाइलाइटेड भी है। अगर मैं यहाँ विद लिख देता हूँ, ठीक है, विद मेरा ठीक हो जाएगा। आप इस किसी अब कहने का मतलब ये है कि आप किसी वर्ड को स्किप भी कर सकते हो। स्किप कहने का मतलब कि अगर आपको कोई, आप देख रहे हो कि यार काफ़ी बड़ा वर्ड है जहाँ नंबर्स हैं, एपोस्ट्रोफीज हैं, तो आप डायरेक्टली, अब जैसे आपने सपोज करो आपको इंसेक्ट्स, लेट सपोज ये तो नॉर्मल है, आपको इंसेक्ट टफ लग रहा है, आपने इसे स्किप करना, आप डायरेक्टली वैन लिखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली उसी वर्ड के आगे से लेके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपको कहीं देखो जनरली वर्ड तो आप स्किप हर कोई नहीं करोगे,
बट कुछ रहते हैं कि कुछ वर्ड जहाँ पे ज़्यादा सिंबल्स रहते हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ इसमें मिस्टेक्स होते कि हो सकती है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, तो उसे आप स्किप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अब हर कुछ स्किप करके आते रहोगे, मुश्किल वर्ड आपको अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपका एक्यूरेसी भी उसी से कैलकुलेट होती है। ज़्यादा स्किप ही करते रहोगे, इजी से लिखोगे, तो फिर आपका मिस्टेक्स कम होंगी, बट वो ऑटोमेटिकली उसमें से आपकी नेट स्पीड में से माइनस हो जाएगी, तो ये आप ध्यान रखो। तो बाकी आपके जैसे ही 10 मिनट पूरे होंगे तो आपको आपकी स्पीड भी आपको सामने पता चल जाएगी। फिलहाल तो ये तो एक डेमो था, जनरली मैंने आपको एक बताया, तो इस हिसाब से आपको उसी टाइम आपका आपको रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप कितना स्कोर करके आए हो। ओके, तो ये आ गई एक फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करूँ, एक मिनट मैं सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। देखो सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको नर्वस नहीं होना। देखो ये गेम ही आपके के माइंड का है। कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं, कई बारी ये चीज़ें होती हैं कि आपका स्पीड अच्छा रहता है, स्पीड आपका अच्छा रहता है, बट आप फिर भी नहीं कर सकते हो। मतलब आप तेज़ लिखने के चक्कर में आप स्पीड तो पूरी करके आ जाते हो, बट आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकते। देखो ये छोटा सा पैराग्राफ मैं आपके सामने आपको टाइप करके बताऊँगा। देखो अब मैं आपको जनरली बताऊं कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका जो टाइपिंग स्पीड रहता है वो बिटवीन रहता है। देखो जो स्टूडेंट प्रो लेवल के हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 80 प्लस है, 70 प्लस है, तो उनको पता है कि कैसे उन्हें टाइप करना, उनके लिए कोई इशू नहीं है। बट जो फ्रेशर्स हैं जिनका जो रेंज रहता, देखो एक चीज़ और मैं इस टाइप टेस्ट लिखने से एक चीज़ और पहले बताऊँ कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा स्पीड 15-20 है, क्या 10-15 दिन में हो जाएगा? देखो ऐसा नहीं होगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको कंटिन्यूसली 4 से 5 महीने तो जनरली आपको लगते ही लगते हैं स्पीड। अब देखो ये टाइप टेस्ट मैं उस कैटेगरी बच्चों के लिए बनाऊंगा जिनका जिनका जो टाइपिंग स्पीड है वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। थ्रेशोल्ड कहने का मतलब कि जिनका 35 प्लस है, 38 है, 39 है, इस तरीके से आपका सबसे पहले तो मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ। लेट मी कनेक्ट द चार्जर हेयर। ओके मैंने चार्जर कनेक्ट कर लिया। सो देखो ये जो इसको हम 5 मिनट का करते हैं, देखो 5 मिनट करने का बेनिफिट ये रहेगा, आपको 10 मिनट में ज़्यादा बेनिफिट रहता है, बिकॉज जितना टाइम ज़्यादा होगा आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। अब हम एक 5 मिनट का, मैं आपको देखो मेरा इस पैराग्राफ का इसको टाइप करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्पीड नॉर्मल है, ये उन स्टूडेंट के लिए, लेट सपोज मेरा स्पीड है इस टाइम, लेट सपोज मेरा, चलो मेरा स्पीड है 38, मैं नॉर्मली मेरा जो एवरेज आता है वो 36-40 के बिटवीन आता है, बट ऑटोमेटिकली जब मैं एग्ज़ाम में जाऊंगा तो नर्वस तो आप लोग ज़रूर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको ये गेम ही आपके, अगर आपने वहाँ पे अपने माइंड को फ्रेश रखा, काम रखा, तो आप आराम से कर पाएंगे। हाँ एक चीज़ और देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पैराग्राफ, लेट सपोज हम इसको हम थोड़ा सा टफ लेने की कोशिश करते हैं, इसमें तो सारे नॉर्मल हैं। इब्राहिम लिंकन हम लिखते हैं, ठीक है, हम इसे 5 मिनट का करते हैं। एंड अब इसमें क्या करूँगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में लिखूँगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है टिप्स जो नॉर्मल रेंज में, जिनका 35-40 के बिटवीन है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि टाइपिंग पे चले गए, अब आपने कहा कि हाँ नहीं यार आज ही सारे चक्के फट दूँगा, पट्टे चक दूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ लिखूँगा, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, आपको एग्ज़ाम को पास करना, डेट्स ऑल। ओके, वेटेज आपका ज़्यादा रिटर्न करेगा। देखो मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में लिखूँगा, बिल्कुल तेज़ नहीं लिखूँगा, फिर भी हम जो हमारा थ्रेशोल्ड है पास करने का वो हम आराम से कर पाएंगे। अब मेरा स्पीड पे ध्यान रखिएगा, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अब जिसका स्पीड तेज़ है वो आप स्पीड तेज़ ही लिख के आना, बट अगर आपका नॉर्मल स्पीड है तो आप नॉर्मल स्पीड में भी कैसे कर सकते हो मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ किए हुए। तो ये 5 मिनट का लूँगा मैं, ठीक है, मैं बिल्कुल नॉर्मल में स्पीड में लिखूँगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका स्पीड नॉर्मल भी है आप फिर भी कर सकते हो, बस आपको मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करना है। अगर आप स्पीड में, हाँ बोलोगे कि नहीं यार स्पीड में लिखना, आज तो मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ के आऊँगा, एंड पता चले बाद में कि स्पीड तो आपने अच्छी खासी बना ली लेकिन आपकी एक्यूरेसी ही नहीं हो पाई। ओके, ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। और जब तक आप वर्ड पे रहोगे तो आप में उसे करेक्ट भी कर सकते हो। आई होप आप समझ गए हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था।
बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में आप कोशिश करोगी, मिस्टेक्स अगर आपकी मिस्टेक्स कम होंगी तो यकीन मानो आपका स्पीड बहुत अच्छा निकलेगा, आपका नेट स्पीड बहुत बेटर रहेगा। जितना आपका ग्रॉस ही होगा तो आपको उतना ही निकल जाएगा, क्योंकि अगर मिस्टेक्स बिल्कुल ज़ीरो करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेम ही आ जाएगा। तो वो आपने सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। देखो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में लिख रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टेक्स कम से कम हो। तो आपने भी एग्ज़ाम में भी यही करना है, मिस्टेक्स पे ध्यान देना कि मिस्टेक्स ना हो। आप स्पीड अगर आपकी नॉर्मल ही स्टार्टिंग में चल रही है तो बाद में आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो लास्ट के 2-3 मिनट में, बट अगर आप स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसे बैक स्पीड उसको बैक कर पाना। ओके तो ये चीज़ आपको मैं सबसे पहले ये ध्यान, और मेन चीज़ है कि आपने नर्वस नहीं होना। अभी मैं आपके साथ यहाँ पे बातें भी कर रहा हूँ, डिस्कशन भी कर रहा हूँ, तो वहाँ आपने बस अपने काम से काम रखना और एग्ज़ाम पास करके वापस आ जाना फ्लाइंग कलर के साथ। बाकी उसके बाद रिटर्न भी होगा, बट ये भी एक बैरियर है, आपको तो पास करना ही पड़ेगा तभी आप रिटर्न तक पहुँचेंगे। बस ध्यान रखो आराम से करना है, कोशिश करनी है कि मिस्टेक्स कम से कम करनी है। मिस्टेक्स कम होंगी तो ऑटोमेटिकली, अब देखो एक मिस्टेक हो गई कोई इशू नहीं है, मिस्टेक छोटी सी होंगी मिस्टेक्स, अब ऐसा बोलोगे कि मैंने कहा कि मिनिमाइज़ करनी है। ओके कोशिश करनी है कि कम से कम मिस्टेक आप कर पाओ। एंड कैप्स ऑन कहाँ करना है ये भी ज़रूर ध्यान देखे दें, क्योंकि कहीं कैपिटल लेटर्स हैं तो अगर आप वहाँ पे स्मॉल लिखे होगे तो वो भी आपकी मिस्टेक कैलकुलेट की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अब बोलोगे नहीं यार मैंने तो ठीक लिखा था, तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी वहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। एंड नंबर से अगर डर लगता है थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। ओके ऐसे कोई नहीं है कि आपको लिखने ही लिखने, बट कम मिनिमम नंबर आते हैं आपके, ज़्यादा नंबर नहीं आपको दिखने को मिलेंगे। एंड बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपका देखो आप मेरे पास लेट्स सपोज ये 10 मिनट का है मुझे, तो मुझे लास्ट में थोड़ा सा अपना बेस्ट देना है, कोशिश करनी है कि मिस्टेक्स भी कम हो एंड मैं अच्छे से लिख भी पाऊँ। देखो गाइस ये 5 मिनट का था नॉर्मल, आपने देखा कि नॉर्मल स्पीड थी, ज़्यादा मैंने कुछ तेज़ लिखने की कोशिश नहीं की। एंड आप भी एग्ज़ाम में देखो ये आपका 5 मिनट का, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और एक टिप और बताऊं कि 5 मिनट जितना ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ होगा आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बेटर होती रहेगी, क्योंकि आप अगर मिस्टेक्स को कम करें, अगर यही पैराग्राफ इसी स्पीड में लेट्स सपोज अगर मैं इसी एवरेज स्पीड पे चलते रहता एंड मेरा स्पीड रहता अगर 10 मिनट का रहता, तो यकीन मानो अगर मैं इसी तरीके से लिखता तो कम से कम मेरा एक्यूरेसी मेरा अगर 95 ही रहता तो स्पीड मेरा, अगर मैं एक्यूरेसी को थोड़ा सा और बेटर करता एंड कोशिश करता मिनिमाइज़ करता मिस्टेक्स को, तो नेट स्पीड मेरा अराउंड 43-44 तक पहुँच सकता था, क्योंकि मैं मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड मेरा नॉर्मल है बट मेरी मिस्टेक्स भी तो कम है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में। हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखो एग्ज़ाम में
पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे रहेगा, जैसे भी पैराग्राफ रहेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, लेट्स सपोज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ओके, लेट्स सपोज आपके सामने ये पैराग्राफ आया, आप एक फर्स्ट ग्लांस में उसे देख सकते हो। कहने का मतलब, लेट्स सपोज ये पैराग्राफ है, तो आपके स्टार्टिंग में देखा आपने कि कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं, तो आप एक बार ही उन्हें रीड भी कर सकते हो। देखो, अब मैं इस पर एक वर्ड मैंने स्टार्ट कर दिया तो टाइमर स्टार्ट हो गया, तो एग्ज़ाम में भी आपका है कि आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे। हाँ, ये आपके सामने पैराग्राफ आया तो एक बारी वर्ड्स को देख लें, पढ़ भी लें, हाँ ये वर्ड्स हैं, तो देख लें कि हाँ ये चीज़ें। तो ये भी एक टिप है, ये भी आप एग्ज़ाम में इसे यूज़ कर सकते हो। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको आपके सारे आंसर्स आपको मिल चुके हैं, अब ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आपके पास। एंड डोंट लुक एट माई डेस्कटॉप स्क्रीन, देखो ये पूरा भरा रहता है ऐसे कैसा। आज तो मेरे लिए ये कम लग रहा है क्योंकि यहाँ एंड तक रहता है, बिकॉज ये सारे करंट अफेयर्स के डिफरेंट ये सारे PDFs वगैरह बने रहते हैं। ओके, तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपके बाद इसके बाद भी कोई डाउट है तो वो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।